एक क्वेश्चन है 9.1 का 6 नंबर कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ये दूरी नहीं दिया हुआ है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ये जो भवन है पूरा ये 30 मीटर ऊंचा है। अब ये लड़का जब वह ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर जाता है तब उसकी आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले 30 डिग्री था और बाद में कुछ दूर आगे चलने के बाद इसका 60 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी आँख से एक रेखा खींच देंगे, इसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। और इसके शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना है, 30 डिग्री, पहले है 30 डिग्री और यह कुछ दूर चल के जाता है, मानिए इतना दूर चल के आ जाता है। तो इसके बाद इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके आँख से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। यहाँ से जो यहाँ तक आया है चल के, यही दूरी पूछ रहा है। यहाँ से जो चल के यहाँ, यही दूरी पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये दूरी निकालना है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो 1.5 मीटर यह भी होगा, इसके बराबर यहाँ है तो इस 1.5 मीटर होगा। और पूरा भवन है 30 मीटर का तो इतना दूर इसके बराबर, लड़के के बराबर तक 1.5 मीटर मोड़ सकते हैं। यह पूरा भवन है 30 मीटर का तो इतना दूर कितना होगा, ये पूरा भवन में इतना दूर घटा देंगे तो इतना दूर निकल जाएगा। यानी कि ए सी ए एफ में ए भी घटाएंगे तो निकलेगा ए एफ में बी एफ भी घटा देंगे तो निकल जाएगा इतना ए बी। तो ए एफ घटा एफ बी, इतना घटा देंगे पूरे में, इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो 30 पूरा है 30 घटा 1.5 इतना टू, तो कितना निकल जाएगा 28.5। ये भी निकल गया 28.5। अब इतना निकल गया, इतना दूर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा निकाल के इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। ये पूरा निकाल के इतना ठो घटा देंगे इतना निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये कितना निकला 28.5 मीटर। तो इसके लिए यह हो गया लंब, 30 डिग्री के लिए यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन। तो टेन 30 डिग्री बराबर, इसके लिए यह लंब है, लंब ए बी बटे आधार बी डी। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3 बराबर ए बी, ए बी है 28.5 बटे बी डी, बी डी निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कोनी गुना, एक गुना बी डी तो बी डी बराबर 28.5 √3। ये पूरा निकल गया 28.5 √3, ये बी डी निकला। अब बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें बी सी निकालने के लिए ये हो गया, इसके लिए यह भी हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो फिर लगाएंगे टेन 60 डिग्री बराबर ए बी लंब बटा आधार बी सी।
तो 1060 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बराबर ए बी, ए बी 28.5 बट बी सी निकालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी गुने रूट थ्री तो बी सी रूट थ्री बराबर 28.5 गुना एक तो 28.5, तो बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 बट रूट थ्री। अब देखिए निकालना क्या है, इतना दूर निकालना है यानी कि चल के जो गया है वही दूरी निकालना है, इतना दूर निकालने के लिए ये पूरा में इतना घटाएंगे, पूरा में इतना घटाएंगे तो ये निकलेगा, यानी कि पूरा है बी डी घटा, बी डी घटा पूरा है बी डी और इतना है बी सी, बी डी घटा बी सी, सी डी निकालने के लिए सी डी बराबर बी डी घटा बी सी निकला, तो सी डी बराबर क्या हो गया, बी डी कितना निकला है 28.5 रूट थ्री, बी सी, बी सी निकला है 28.5 बटा रूट थ्री, इसका भिन्न का घटा करना पड़ेगा, तो एक और रूट थ्री का एलसीएम रूट थ्री निकलेगा, रूट थ्री गुना 28.5 रूट थ्री, तो ऐसे 28.5 रूट थ्री गुना रूट थ्री तो थ्री हो जाएगा, माइनस रूट थ्री में रूट थ्री भगा देंगे एक, एक गुना 28.5 तो 28.5 गुना कर देंगे 5 × 3 = 15, 5 चलिए 8 × 3 = 24, 1 × 25 = 5, 3 × 6 = 2 = 8, 85.1 अंक के बाद 0.5 घटा 28.5 बटा रूट थ्री, रूट थ्री का परिमेयीकरण कर देंगे, रूट थ्री वा रूट थ्री, तो आगे है इसमें घटाएंगे, 5 × 5 = 0, 15 × 8 = 7, 7 यहाँ बचा एक लिए थे इधर, तो 7 × 2 = 5, 57.0 इधर गुना हो जाएगा रूट थ्री बटा रूट थ्री गुना रूट थ्री तो थ्री हो जाएगा, तो ये कट रहा है 3 × 19 = 57 ये रूट थ्री, यानी कि 19√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।